आज हाईकमान के बातचीत करने के बाद हम सभी कांग्रेस पार्टी के साथ वापस जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम पूरे सभी कांग्रेस पार्टी को तन मन धन से सहयोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले भी जब मैं चुनाव लड़ा था जब बोला था कि मैं राहुल गांधी जी का कार्यकर्ता हूं, और राहुल जी को क्योंकि उस टाइम भी जब मुझे पहले विधायक बनाया था तो उनका ये पूरा मेरे पर आशीर्वाद था, तो उसी को लेकर फिर से हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी में जो हमारा झाबुआ अलीराजपुर का कांग्रेस पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उनको तन मन धन से हम जिताएंगे, और क्योंकि राहुल गांधी जी की जो मंशा थी उसी मंशा के आधार पर आज हम कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति के साथ काम करने का निर्णय लिया है। क्योंकि आज भारत में आप लोगों ने देखा और आप लोगों के माध्यम से कि जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए जो वादे किए थे, किसानों के लिए जो वादे किए थे, मजदूरों के लिए जो वादे किए थे, व्यापारियों के लिए जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। उसी को लेकर आज हम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, पहले भी हमने जो बीड़ा उठाया था किसान मजदूर युवा की लड़ाई लड़ने का, वो हमारा सतत जारी रहेगा। और उसी के ध्यान में हमने सोमवार को रविवार को बैठे थे और पार्टी हाईकमान से बातचीत करके पार्टी के साथ जुड़ गए। तो आज आप लोगों के माध्यम से सभी हमारे साथी जो बचे थे उनसे भी चर्चा विचार करके हमने निर्णय लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा में प्रत्याशी जो भी होंगे या कांतिलाल भुरिया जी को भी टिकट देंगे तो उनके साथ भी हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिनको भी उम्मीदवार बनाएगी उनके साथ रहेंगे। आप लोग आए, आप सबको धन्यवाद। और जो भी कांग्रेस पार्टी का निर्देश रहेगा उसी के ऊपर काम करो। मतलब कांग्रेस पार्टी जहां बीच में आती है वहां वैचारिक मतभेद रहते नहीं है। अभी जैसे चार दिन पहले आपके साथी मथियाज भुरिया जी ने फेसबुक पे भी पोस्ट डाली है कि कांतिलाल भुरिया को हराना है, तो ऐसे में फिर क्या वो पोस्ट फिर हटेगी या आपका इस टाइप से चालू ही रहेगा? नहीं, हम जब आए उसके बाद हमने सब पदाधिकारी और सबसे हमने चर्चा की, उसके बाद से आज के बाद से कांग्रेस पार्टी के साथ सब मिलकर काम करें। तो विधानसभा में आप कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे? और विधानसभा में तो हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे इसलिए सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अब हम लोकसभा के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। आपको लगता है भुरिया जी जो पहले कह चुके हैं कि जेवर मैडम किसी भी हाल में नहीं आ सकते कांग्रेस में, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? कांग्रेस पार्टी में हाईकमान का जो निर्देश होता है उसका पालन होता है, तो उनको भी उसका पालन करना पड़ेगा। भुरिया जी से आपकी बात हुई क्या कहीं बैठक में? देखो, हमने जो निर्णय लिया हाईकमान के निर्णय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भास्कर में भी, आज आप लोगों ने न्यूज देखी होगी कि जितने भी जो चर्चा करके जो बागी जितने भी उनको लाने का आज के भास्कर में भी न्यूज है उसी के, क्योंकि सभी से संपर्क हो रहा है। मेरे को तो हाईकमान से सीधी बात हुई और उसके बाद प्रदेश के नेताओं से बात होने के बाद हमने ये निर्णय लिया। बैठे में कौन कौन था? मैं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी और यहाँ के लीडर सभी मौजूद। बैठक दिल्ली में भी हुई और इंदौर में भी हुई। इंदौर का जो है पूरा